नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। पूरा उत्तर भारत इस वक्त पानी पानी हो रखा है। पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो कई जगहों पर लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। अगर बात करें देवभूमि की, तो देवभूमि के मौसम की, तो यहाँ पर भारी बारिश लगातार कई इलाकों में जारी है। साथ ही नदियां उफान पर हैं, नाले उफान पर हैं। कुमाऊं गढ़वाल की बात करें तो कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में और गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश अगले 5 दिनों तक चलती रहेगी। मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश देखने को मिलेगी। कुमाऊं के कुछ इलाकों में चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, इन क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि गढ़वाल के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है, यानी कि अगले 5 दिन उत्तराखंड के लिए और ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि भारी बरसात की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम हो जाता है, भूस्खलन की स्थिति बनी रहती है, लैंडस्लाइड हो जाते हैं, कई जगह पर दुर्घटना भी हो जाती है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगले 5 दिन और मुश्किल वाले हो सकते हैं, क्योंकि कई पहाड़ी इलाकों में और यहाँ तक कि मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसमें अगर बात करें तो ये जो है जो बारिश की एक्टिविटी हुई, अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश हुआ, भी अगले 5 दिन चलती रहेगी। इसके साथ अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें उत्तराखंड के, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो कुछ जगहों में हल्की मध्यम बारिश वहाँ पर भी मिलेगी। जहाँ तक भारी बारिश का सवाल है, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा कुमाऊँ क्षेत्र है, उसके जो पहाड़ी जनपदों में इक्का-दुक्का स्थानों में, खासकर आपका बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत है, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में संभावना है कि एकाधुका जगहों में अगले 3-4 दिन में जो है आप देखें कहीं कहीं पर हैवी रेन्स उनमें मिलने की संभावना है। तो गढ़वाल क्षेत्र में हालांकि हैवी रेन्स की संभावना नहीं लग रही है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश जो है वो मिलती रहेगी अभी 4 से 5 दिन। उसके बाद थोड़ी बारिश में कमी आ जाएगी। लेकिन जहाँ तक मानसून की वापसी की बात है, तो मानसून जो है उत्तराखंड में जो सामान्य तिथि है करीब वापसी की, तो वो करीब 25 सितंबर है और 30 सितंबर के आसपास तक पूरे उत्तराखंड से मानसून सामान्यतः जो है वो निकलना चाहिए। तो उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश जारी है, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बरसात हो रही है और मौसम विभाग भी लगातार सचेत कर रहा है कि अगले 5 दिन भारी बारिश हो सकती है कई पहाड़ी और मैदानी इलाकों में। ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी सुभाष कौर मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि उत्तराखंड में इस वक्त कैसा मौसम का मिजाज बना हुआ है। सुभाष, आपके पीछे मैं देख सकती हूँ मौसम तो काफी खुशनुमा है, लेकिन जहां जहां भारी बारिश हो रही है वहां पर बहुत मुश्किलें लोगों को देखनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, उत्तराखंड में अगर कहा जाए तो अगले 5 दिन मौसम काफी खराब रहने वाला है, और खासतौर से राजधानी देहरादून की यदि मैं बात करूं तो देर रात से ही उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बारिश हो रही है, और सुबह से ही बारिश के बाद अब जाकर कहीं ना कहीं थोड़ा मौसम खुला और लोग जो है कि कहीं अपने कामों से बाहर निकल पा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले जो 5 दिन है वो उत्तराखंड के लिए मौसम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और खासतौर से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, चाहे उसमें कुमाऊं रीजन की बात कर ली जाए या गढ़वाल रीजन की बात कर ली जाए, दोनों ही क्षेत्रों में लगातार 5 दिनों तक बारिश होगी। और जो हैवी रेन की अगर बात की जाए, यानी कि जो मानसून में जिस तरीके से मानसून अब जाने का समय होगा, ऐसे में कहीं ना कहीं तूफान और जिस तरीके से उत्तराखंड में बरसात होती है उसका काफी खामियाजा पहाड़ी क्षेत्रों को उठाना पड़ता है। तो ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए कुमाऊं मंडल में, तो पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, ये वो जनपद है जहाँ हैवी रेन की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके साथ ही यदि गढ़वाल मंडल की बात कर ली जाए तो चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, ये ऐसे जनपद हैं जहां अगर लगातार बरसात भी होती है और हल्की बारिश भी होती है तो उसका खामियाजा भी आम जनता को भुगतना पड़ता है। और क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो लगातार लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं इन क्षेत्रों में होती है, जिसको लेकर प्रशासन ने और आपदा विभाग की जो टीमें हैं उनकी मुस्तैदी भी नजर आ रही है। लेकिन वहीं मैदानी क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो मैदानी क्षेत्रों में भी बरसात लगातार जारी है, और 5 दिनों तक, यानी कि आगे अगले 5 दिनों तक उत्तराखंड के सभी जनपदों में आपको बरसात देखने को मिल सकती है, जिसके बाद जो नदियां हैं वो अपने उफान पर है, और जो नदी के आसपास के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी लोगों को सुरक्षित स्थानों में रहने के लिए प्रशासन की तरफ से कहा गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड का जो देखा जाए तो उत्तराखंड के कई इलाके ऐसे हैं, कई शहर, कई जिले ऐसे हैं जहां पर ड्रेनेज के सिस्टम बहुत ज्यादा
खराब है, क्योंकि जगह जगह पर पानी भर जाता है, कई बार हादसे भी हो जाते हैं। और हमने तमाम ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें जो गाड़ियां हैं वो पानी में डूबती हुई नजर आती है, कई बार लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा जो नगर निगम की पोल है वो भी खुलती हुई नजर आती है। इस साल हमने कितनी तैयारी देखी इन सभी चीजों को लेकर? जी बिल्कुल, तैयारियों की अगर बात की जाए तो मानसून सत्र शुरू होने से पहले, यानी कि मानसून की शुरुआत होने से पहले ही जो विभागीय अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो तैयारियों की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन जब बरसात शुरू हो जाती है और जो ड्रेनिंग सिस्टम जो महत्वपूर्ण रहता है शहरों में, चाहे वो राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो, ऊधम सिंह नगर हो, ये महत्वपूर्ण शहर है उत्तराखंड के, तो इन शहरों में जब अगर कहा जाए तो पानी की ड्रेनेज के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की जाती। और क्योंकि राजधानी देहरादून तो स्मार्ट सिटी के तौर पर भी देखी जाती है, लेकिन जो स्मार्ट सिटी का हाल है वो बेहद बेहाल नजर आता है बरसात के दिनों में। हालांकि नगर निगम जरूर ये दावे करता है कि उनकी जो तैयारियां हैं वो बहुत बेहतर थी और बेहतर तैयारियों के चलते कुछ काम नहीं हो पाए जिसकी वजह से ऐसी स्थिति बनी, लेकिन जो स्थिति है ये हर साल बनती है, ऐसा नहीं है कि पहले साल का ये इस तरीके की घटनाएं होती है। हर साल ऐसे ही राजधानी देहरादून की सड़कों पर पानी जमा होता है जिसके बाद जो पैदल आदमी है वो सड़क पार नहीं कर पाता, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो कहा जा सकता है कि मानसून की शुरुआती दौर में लगातार अधिकारी और नेता ये दावे जरूर करते हैं कि तैयारियां पूरी है, लेकिन उन तैयारियों की पोल बरसात जरूर उत्तराखंड में खोलती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल सुभाष, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश जारी है, अगले 5 दिन भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिन पहाड़ी इलाकों में बारिश हो सकती है, मैदानी इलाकों में भी बारिश हो सकती है। वैसे ही नदी नाले उफान पर हैं, ऐसे में लगातार लोगों को सूचित किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि नदी नालों के पास जितना हो सके ना जाएं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।